श्री वाहे गुरु। हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। रखे ओ लाज हमारी सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, 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 रखे ओ लाज हमारी सतगुर, रखे ओ लाज हमारी, रखे ओ लाज हमारी सतगुर, रखे ओ लाज हमारी, रखे ओ लाज हमारी सतगुर, रखे ओ लाज हमारी, रखे ओ लाज हमारी सतगुर, रखे ओ लाज हमारी, रखे ओ लाज हमारी सतगुर, रखे ओ लाज हमारी, रखे ओ लाज हमारी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 सतगुर आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोपा, चिंता लाहे हमारी, अबर ना सूझे दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा सूट है, हम निर्गुण लेहो उबारी, सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परयो, राख ले हो एह बारी, राख ले हो एह बारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखे ओ लाज हमारी, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे, एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए,
परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिनी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार अदब सत्कार दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के सतगुरु जी नूं सीह चुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिंडां वाले महापुरश बचन करदे हुंदे कहिंदे प्यारे ओ जिन्हां दे वड्डे भाग होण उन्हां नूं हिंदुस्तान दी धरती ते जन्म मिलदा है, क्योंकि गुरुआं पीरां दी पवित्र धरती है। जिन्हां दे उदों भी वड्डे भाग होण उन्हां नूं पंजाब दी धरती ते जन्म मिलदा है। जिन्हां दे उदों भी वड्डे भाग होण उन्हां नूं गुरसिख घरां विच जन्म मिलदा है। जिन्हां दे उदों भी वड्डे भाग होण उन्हां नूं गुरमुखो सतसंगत दी प्राप्ति हुंदी है, ते जिन्हां दे उदों भी वड्डे भाग होण उन्हां नूं फिर सतसंग विच आ के ज्ञान मिलदा है, ते खंडे बाटे दे अमृत दी प्राप्ति हुंदी है। ते महाराज सच्चे पातशाह भी कहिंदे सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरणी सिख जाए पड़ते हैं। इन्दे जेड़े सिख गुरु दे चरण विच आ जाण, गुरु दी गोद विच आ के बैठ जाण, गुरु के बचना नूं सुन के मन लैण, उन्हां दे भाग सब तों वड्डे हुंदे आ। आखो सतनाम। इस करके सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु हन, इन्हां दी गोद विच आपां आए हाँ। ते अगे तो भी अरदास करिए महाराज, समा भावें कलयुग दा चल रहा है पर कृपा करो असी कलयुगी जीव हाँ, तुसी दुनिया नूं तारन वास्ते नाम बाणी दा जहाज बन के आए हो, साडे डुबदे वेड़े नूं पार लाओ। सारी संगत बोलियो पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगियां पातशाह तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ पातशाह तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ पातशाह तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ पातशाह तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ। दाता जी पल्ले नाल लाई रखे ओ, 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 पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ, पल्ले लगे आ
पालक दे पल्ले लगे आ ते हुण सदा वास्ते ये अरदास करनी सच्चे पातशाह अपने पल्ले लाई रखना क्योंकि जेड़ी साड़ी कदर है गुरमुख प्यारियो ये गुरु नाल ही आ आखो सतनाम खास करके जेड़ा अपना ये इलाका है इत्थे तां सच्चे पातशाह ने रहमत कीती है खास करके जेड़े सिद्धू परिवार है ना गुरमुखो महाराज पिंड बाबे महाराज दे पोतरे मोहन जी ने मोड़ी गड्डी सी जदों सतगुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इधर आए उन्हां दे हुक्म नाल ये नगर वसिया सी उदों पहलां भुल्लर ते मान ये दो गोत सी उन्हां दा एरिया सी गुरमुख प्यारे ते नवें आए नूं छेती छेती वसण नहीं सी दे रहे ते उस समय भुल्लरां ते मानां ने रल के सिद्धुआं दे नाल काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी किया छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ये सिद्धुआं दे पक्ष विच खड़े गुरमुख हालात ऐसे बने बहुत भारी युद्ध भी होया पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने भुल्लरां ते मानां नूं समझाया भी सी वी भाई जंगल का एरिया खुला पिया चलो ये भी रब दे जीव है इन्हां नूं भी बस लैण दिओ हरेक नूं घर बार तो चाहिए ही है पर वो मन्ने ना गुरमुख प्यारे उस वेले जंग युद्ध भी होए ते सतगुरु जी ने गुरु घर का असूल मुख रखिया जो शरण आवै तिस कंठ लावै इत्थे ना तो कोई गुरमुख प्यारे बगाना है ना कोई अपना है इत्थे तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे असूल है गुर कहे साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो जेडे गुरु साहब ने बचन कहते महाराज कहिंदे जेड़ा मनू वह साडा अपना है ते जेड़ा मनदा ही नहीं वो साडा कुछ नहीं लगता आखो सतनाम ये कल्ले अपने आम संगत वास्ते नहीं सी देखो सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब उन्हां दे सपुत्र होए ने बाबा राम राय जी सतवें पातशाह ने जो बचन कहे सी बाबा राम राय जी ने मन्ने ना गुरमुख गुरबाणी का निरादर करता सी औरंगजेब नूं खुश करन वास्ते ते सतवें पातशाह ने अपने सपुत्र नूं भी कहता सी भी साडे मत्थे ना लगी जिहड़ा इहदे नाल वरतू वह साडा सिख नहीं होऊ आखो सतनाम यह तां उह घर है गुरमुख जिथे बाणी च लिखिया ना उत्थे सचो ही सच निबड़ै चुन वख कढे जजमालिया था ना पाए न कूड़े यार मोह कालै दोजिक चालिया तेरा नाए रत्ते से जिन गए हार गए से ठगण वाले आ लिख नावै धर्म बहाले यही एक घर है जिथे सच का नवेड़ा हुंदा है ना कोई अपना ना कोई बगाना पर आपां याद रखनी है ये गल जेड़ा दर सतगुर दे आया शरदा भावना निम्रता दे नाल जी ने आके बेनती कर ली कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं इत्थे मिलदा मान निमाणिया नू मिलदा मान निमाणिया नू मिलदा मान निमाणिया नू दर
सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी, जेड़ा ता आ गया भाई निम्रता नाल शरदा नाल उनू ता मुड़िया नी खाली, ते जेड़ा कोई आकड़ रख के आउंदा है फिर थानू पता ही है अड़े सो चढ़े शरण पवे सो तरे गुरमुख प्यारे। सो जो बेनती कर रहे असा छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सिद्धुआ ने बेनती की, महाराज असी राजस्थान वालों उजाड़े हुए आए हाँ, साडा भी वसेबा करा दो। महाराज कहिंदे जाओ मोड़ी गड्डो, फेरा महाराज पिंड मोड़ी गड्डी गई गुरमुख। भुल्लर ते मान फिर विरोध करन लागे, ते जिहड़ा जैद पुराणा सी ये बहुत वड्डा योधा सी गुरमुख, इहनू हवा अग ते पानी दा वर सी, जितया नहीं सी जांदा। ते उस वेले इधरों नथाने वालों लैके फौजा जैद पुराणा आ रहा सी, ते मूरे मिल गए बाबा कालूनाथ जी। जिहड़े बाबा कालूनाथ जी महापुरश होए है भी बहुत वड्डे तपस्वी होए ने, छेवें पातशाह ने इन्हां दे भी डेरे जाके भाग लाए, बाद च कृपा कीती। पर जदों इत्थे जंग युद्ध हुंदे सी ना उदों इन्हां रिशियां मुनियां ने जिवें बाबा कालूनाथ जी, उधरों बाबा हाजी रतन जी, ते इधरों बाबा दुन्ना जी, बाबा बूला जी होनी, ये सारे पंज सत महात्मा कट्ठे होए, जिन्हां ने विचार बनाई भी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब धर्म युद्ध कर रहे हैं, ते आपां उन्हां दी मदद करनी है। वो कट्ठे होके आए सी भी महाराज असीं भी तुहाडी मदद करनी चाहुंदे आ। छेवें पातशाह कहिंदे भाई साडे तां इत्थे जंग युद्ध चलदे है, ढालां तलवारां खड़कदियां, इह तां योधिआं दा कम है, तुसीं तपस्वी महात्मा हो, असीं तुहाडे तों बंदे नहीं मरवाउणे। वो कहिंदे जी फिर साडा जीवन किवें सफल होऊगा। तो छेवें पातशाह ने कहा सी भी ठीक है, जे सेवा ही करनी है तुसीं रस्त बस्त इकट्ठी करके लंगर तैयार करके इन्हां योधिआं नूं छकाया करो, आखो सतनाम। फिर साधु महात्मा लंगर लैके आउंदे हुंदे सी, ते बाबा कालूनाथ जी जदों मिले ना जैद पुराने नूं, पुछिआ वी जैदा अज किधर नूं चढ़ाई करके चलिआ, तां उह कहिंदा नाथ जी मेरे सहुरिआं दी जमीन ते कोई कब्जा करदा, मैं उहदी मदद करन चलिआ अपने सहुरिआं दी। ते बाबा कालूनाथ जी कहिंदे असीं आ नाथ महात्मा साधु तुहाडे घरां दा खाधा है, ते मेरी बेनती सलाह यही है तू वापस मुड़ जा, क्योंकि जिन्हां नाल तू लड़न जा रहा है वह आम मनुख नहीं, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब बहुत वड्डी ताकत दे मालक है। ते उह जैद पुराणा फौजां दा अपनी ताकत दा माण सी, बाबा कालूनाथ जी नूं भी कहिंदा साधा मैनू डरा रहे हैं, मेरा हौसला डेग रहे हैं, जिहड़े गुरु दी तू महिमा करदा देखी जाई, पहलां तां मारूं गुरु नूं फिर आके तैनू देखूं। बाबा कालूनाथ जी दे मूहों सह सुभा बच निकलिया, कहिंदे मर्जी है तेरी, मेरे तक तां ही आएगा ना जे जिउंदा मुड़ेगा। फिर उस वेले वह बचन भी सच होए, जंग युद्ध हो रहा सी, इधरों बाबा काला जी छेवें पातशाह नूं कहिंदे महाराज जंग युद्ध तां हो गया शुरू, पर करिए कि जैद पुराणा आ गया जिहड़ा किसे तों हारदा ही नहीं, इह तां वाली वड्डी ताकत है शक्ति है। छेवें पातशाह कहिंदे बाबा काला जी मैं तेरे हथों ही इहदा अंत कराउणा, आखो सतनाम। बाबा काला जी थोड़ा जा डर भी गए, पर जदों छेवें पातशाह दे बचन सी उन्हां नूं हौसला जरूर होया,
जंग युद्ध शुरू होया जिथे फिर गुरुद्वारा गुम्मटसर साहब बनिया होया। इत्थे गुरमुख प्यारे युद्ध हो रहा सी। जैद पुराने ने वर्षी मारी गुरमुख प्यारे ते बाबे काले ने मूहरे कीती ढाल। कहिंदे वर्षी ढाल विचों दी लंघ के बाबे काले दे वी जा बजी एक दो दंद तोड़ गई। उदों बाद किते दा भर गया बाबे काले दा। एक गुरु के सिख भी सी नाल उन्होंने भी मदद की। गल मुकाद्या इतिहास लंबा ना करा। जैद पुराणा मारिया गया इस युद्ध विच गुरु। ते जदों जैद पुराणा मारिया गया रजो दे नाल सी ना भुल्लर, क्योंकि जैद पुराणा है तो सिद्धू ही सी पर व्याहिया भुल्लरां दे सी। इस करके उन्हां दी मदद करदा सी। वह सारे ही भज तुरे जिथे किते कोई टिकाणा मिलिया लुक गए। वड्डे वड्डे अक हुंदे सी उस वेले इत्थे। अक्कां दे ओले लुक के जान बचाई उन्होंने। ते ताही अज तक जिहड़े भुल्लर ने ना गोत दे ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਕ ਪੱਟਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਕ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਡੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਜੈਦ ਦੇ। गुरु हरगोबिंद साहब हस पे कहंदे बाबा काला जी होमे ना कर लियो किते। जदों जैद पुराने ने तुहाडे ते वार कीता सानू थोड़ी रखिया करनी पई। आ वेखो लोहे दी ऐरन सी, ये असी मूहरे कीती सी ऐरन दे वी टुकड़े करके फिर भी जैद पुराने दी ढाल वरसी तुहाडे जा बजी सी। ते ओहो टुकड़े आ गुम्मटसर साहब गुरुद्वारा साहब हुण भी आप जी दर्शन करते रहने हो, क्योंकि इस इलाके दे बैठे हो। ये वो फिर बाद विच जगह प्रगट हुई। हुण तां गुरुद्वारा साहब बहुत वड्डे पद्धर ते सेवा चल रही है। नाम बाणी दा प्रवाह, गतकाबाजी ते नौजवानां दीआं जवानियां बरकरार रखण वास्ते पिछले समयां च टूरनामेंटां विच भी नौजवान वीर जांदे रहे ते संगत दा भला हो रहा गुरमुख। सो ये सारा जिहड़ा अपना इलाका है, मेरे कहण दा भाव छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कृपा की है, उन्हां दे करके आपां वसे होए। आखो सतनाम। उदों बाद फिर सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जी इस इलाके विच आए। आ जदों जाने हो जंडा वाले वल अगे नगर पैंदा हर रायपुर गुरमुख, इत्थे सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब आए सी। ते जदों सिख संगतां नूं पता लगे, आ संगत भी महाराज दे दर्शन करन दूर दराडियों गई। इधरों बाबा काला जी ये भी दर्शन करन वास्ते गए। लंगर दियां रस्तां माया वस्त्र जो भी शरदा सी तिल फुल भेटा लेके गए अपने वल्लों। ते मंगर इन्हां दे भतीजे गुरमुख प्यारे फूल ते संदली नाल चले गए। बाबे काले ने बहुत रोकिया से भी तुसी मुड़ जाओ वापस, पर बच्चे मन्ने ना। जदों जाके सतवें पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे तरह दरबार सजिया होया, एक पासे माइया एक पासे भाई बैठे है। सतवें पातशाह दा भी उच्चा आसन लग्या होया। बाबा काला जी ने जाके नमस्कार कीती, तिल फुल भेटा रख के बैठ गए। बचन बिलास शुरू हो गए। दसिया बाबे काले ने भी शुक्र है सच्चे पातशाह तुसी आए, तुहाडे दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने साडे पैर लाए ने, उन्हां करके साडा इलाका वसिया होया। ऐ बचन बिलास होई जांदे सी। ते सतवें पातशाह कहिंदे बाबा काला जी असी भी इस इलाके विच तां आए हां भी जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने साडे वड्डे वडेरियां दी सेवा कीती मदद कीती असी उन्हां दा भला करना है। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारे अगला पिछला कोई चंगा कर्म कीता हुंदा उन्हां नूं सुख मिलदे है, ते जिन्हां दे कर्म माड़े होण वो तां गुरु घर आके भी सुख नहीं लै सकदे, कई दुखी पल्ले बन के लै जांदे, इत्थे आके भी शंके खड़े हो जांदे, क्यों कर्म साथ नहीं दिंदे हुंदे। ते महाराज दा फैसला है चंगे आईयां बुरे आईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा है।
के दूर खेड सारी कर्मां दी है। इसे करके चंगे ही कर्म करने चाहिए। सतवें पातशाह बैठे बाबे काले नाल बचन बिलास करी जांदे है ते संगत विच पिछे जे बैठे सी भतीजे जिहड़े मंग गए सी फूल ते संदली ते उठ के बाबे काले वाल इशारा कीता। बाबा काला जी भी समझ गए भी भतीजे उठ खड़े। इन्होंने भतीजे वाल वेख्या ते भतीजे बोले तो कुछ ना खड़े हो के ना संगत विच एडा ढिड ते हथ मारिया गया। बच्चे ढिड ते हथ मारन ते बाबा काला जी इशारा करके समझाउण भी बह जाओ मेरे गुरु नाल बचन बिलास हो रहे हैं। पर बच्चियां नूं लगी सी भुख वह वारी वारी उठ के ढिड ते हथ मारन। बाबा काला जी उन्होंने टिकाउण की कोशिश करन। जदों ध्यान उधर वारी वारी जावे सतवें पातशाह कहिंदे बाबा काला जी ये बच्चे कौन है। तो बाबा काला जी नूं फिर दसना पिया कहिंदे महाराजे मेरे ही भतीजे है। पीटीआल युद्ध जदों होया सी साडे बंदे मारे गए ज़्यादातर बुढ़िया ही हैं घर विच ते मेरे भरा दे बच्चे है भतीजे ने मेरे। अच्छा सतवें पातशाह कहिंदे हुण की कह रहे हैं। फिर कहिंदा जी कहना की है भुख लगी है ये ढिड ते हथ मार के कहिंदे आ सानूं कुछ खवाओ। मैं बथेरा रोकिया सी मंगर आ गए हुण इन्हां नूं की पता संगत विच किवें बैठी दा। माफ़ी चाहुंना महाराज आपां नूं इन्हां ने डिस्टर्ब किया ध्यान भंग किया। ये अनाथ ने विचारे करिए भी की तुसीं खिमा कर दिओ। जदों इन्नी कु गल बाबा काला जी ने कही सतवें पातशाह दया दे घर विच आ गए। कहिंदे बाबा काला जी कौन कहिंदा ये अनाथ ने तुसी कहने हो ये भुखे ने। याद रखियो साडा वचन है तुसी कीती है गुरुआं दी सेवा वड्डियां दी ये तो राज करिया करनगे राज आखो सतनाम। ये सतवें पातशाह दे वचन सी कहिंदे ये तो राज करिया करनगे इन्हां दे घोड़े तो जमुना तक पानी पिया करनगे। उत्थों वचन होया जदों किते जाओ ना पटियाले राज घराने विच वो हुक्मनामा सतवें पातशाह ने जिहड़ा लिखिया सी दर्शन हुण भी कराए जांदे आ। महाराज ने कहा सी बाबा काला जी चिंता ना करो तेरा घर सो मेरा घर सो तेरा घर अपना तो वंडिया ही कुछ नहीं। याद रखियो झूलणगे चंडे फूल की औलाद दे 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 झूलणगे चंडे फूल की औलाद दे। सतवें पातशाह कहिंदे तां राज करिया करनगे राज झंडे झूलणगे। बाबा काला जी बहुत खुश होए गुरु। चलो बच्चियां नूं लंगर पानी छकाया कई तरह के बचन बिलास होर भी आए। जदों बाबा काला जी आए वापस घर ते आके घर वाली नूं दसता कहिंदे करमां वालीए अज तां कोई चंगा ही दिन चढ़िया सी। मैं सतवें पातशाह दे दर्शन करन गया सा जिहड़े आ बच्चे ने भतीजे मेरे नाल चले गए ते महाराज ने वर देता भी ये राज करनगे राज। ते बाबे काले दी धर्म सुपत्नी ने उत्थे रौला पा लिया कहिंदी आपदे भतीजिआं नूं तां दवा लिआया राज ते जिहड़े अपने बच्चे आ तैनूं इन्हां दा ख्याल नहीं आया। जे उह राजे बणगे तां मतलब अपने फिर प्रजा बन के रईयत बन के जिउणगे। मैनू लै के चल मैं सतवें पातशाह नाल गल करां जाके भी रोटियां पकाउंदियां तां असीं रहि गईआं। जंगा युद्धां च दुख सुख विच असीं साथ दित्ता
मेरे बच्चियां नूं भी राज चाहिए। घरे पै गया कलेश, तुहानूं पता ही है फिर जिन्हां घरां च इदां दा सुभाअ होवे ना किसे माई भाई दा मुश्किल हो जांदा समां लंघाउणा। गुरु सरदा भी नहीं हुंदा, संसार वल परिवार वल देखदे हुए जिउणा भी पैंदा है। ते बाबा काला जी कहिंदे देखी किते गुरु घर प्रति कोई उल्टा सीधा बोल ना बोल दी, कोई नहीं लड़ाई ना पा, मैं कल नू जाऊं महाराज ना गल कर लांगे, बेनती करांगे। ते प्यारे ओ अगले दिन अपने बच्चियां नू भी ओवीं सिखा के ले गए बाबा काला जी, कहिंदे भी आपां चलदे आ, तुसीं भी ऐं करियो जिवें मैं जाके महाराज नाल गलबात शुरू करांगा ना, तुसी थोड़े टाइम बाद उठ के ढिड ते हथ मार दिया करो। वो सिखा के लै गए ते जदों गए सतवें पातशाह दे दर्शन कीते, बचन बिलास शुरू हो गए, वो बच्चे फिर उठ के ढिड ते हथ मारन, बाबा काला जी उवें ही समझाउण भी बह जाओ, फिर ढिड ते हथ मारन, सतवें पातशाह हस पे, कहिंदे बाबा काला जी मैनूं पता है घर दे कलेश तों डरदे होए जाण के इन्हां नूं सिखा के लियाए हो तुसीं, कहिंदे पर कोई गल नहीं, हुण जिन्हां नूं राज भाग दा बचन मिलना सी उह तां मिल गया। साधू बोले सहज सुभाए, साधका कहिआ बिरथा ना जाए, सूर वीर बचन के बलियो, जिहड़ा बचन राज भाग दा जिन्हां नूं मिलना सी उह तां मिल गया, पर कोई नहीं तुसीं सेवा कीती है, ये तुहाडे बच्चे भी अपनी कमाउणगे ते अपनी खाणगे, किसे दी गुलामी नहीं करनगे। आखो सतनाम, इदां दा बचन कीता सी भी राज भागता करनगे उही। उदों बाद फिर समा लंघिया, गुरमुखो दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब दुनिया नूं तारदे तारदे जदों साबो की तलवंडी तख्त श्री दमदमा साहिब आए, इत्थे 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां ते 9 पल रहे ते किरपा वड्डी ये कीती, नाले तां विद्या दा दान बख्श गए गुरु, बचन करता सी ये गुरु की काशी महान तीर्थ बनना, इत्थे ही सतगुरु जी ने आ बीड़ लिखवाई जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आपां दर्शन कर रहे हैं ना, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक ये सारी दी सारी बाणी दसवें पातशाह ने अपनी रसना तो जवानी उचार के लिखाई। आखो सतना, ते आपां नूं भी चाहीदा गुरमुखो दर कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा दर कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा दर कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा दर कदे ना छड़िए जी, ऐसे दर कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा कदे ना छड़िए जी, ऐसे प्यारे दा दर 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 कदे ना छड़िए जी, ऐसे ऐसे सच्चे पातशाह दा दर कदे छड्डना नहीं चाहीदा जिन्हां ने साडे ते किरपा कीती, खास करके मालवे ते। ते गुरमुख प्यारिओ दसवें पातशाह जदों आए बीड़ लिखवाई, बहुत दूरों दूरों सिख संगतां भी दर्शन करन वास्ते जांदियां, ते उस वेले रामा ते तलोका बाबे फूल दी वंश विच्चों सी, इन्हां ने भी जाके दर्शन कीते, माया वस्त्र गड्ढा भर के रस्ता लेके गए, जाके सारी गल दसी भी असी छेवें पातशाह की कृपा नाल उजड़े हुए बसे सी, ते महाराज समय समय ते गुरु घर की सेवा करते रहे, ते रामा ते तलोका फिर इन्होंने दसिया सी जाके भी महाराज असी गए सी सरहंद,
ते तुहाडे साहिबजादियां दा संस्कार दीवान टोडर मल ते मोती राम मेहरा जी कर रहे सी। असीं भी उन्हां दे नाल मदद कीती, बच्चियां दा संस्कार करके आए। आखो सतनाम। ये याद रखियो गुरमुखो, कई बार इतिहास आपां भुल जांदे आ। छोटे साहिबजादियां दा संस्कार जदों कीता गया ना, उदों अपने सिद्धू परिवारां विचों रामा ते तलोका भी नाल सी गुरमुख प्यारे। इन्हां ने आके फिर दसवें पातशाह नूं दस्या सी वी जिवें लाशां दा संस्कार होया है की कुछ उत्थे होया। दसवें पातशाह ने सारे बचन सुने। जदों गुरु जी ने पहला अखंड पाठ साहिब कीता ना, साबो की तलवंडी दमदमा साहिब, उदों जिहड़े जिहड़े सिंघां ने बैठ के सुनिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप भी सुनिया, ते उन्हां विच रामा तलोका भी नाल सी गुरमुख प्यारे। जदों जाओ किते गुरुद्वारा लिखणसर साहब, उत्थे इन्हां दा भी नाम विच आउंदा है। इदां दे सी अपने वड्डे वडेरे, ते महाराज सच्चे पातशाह बहुत खुश होए। कहिंदे असीं तुहाडी सेवा तों बहुत खुश हाँ, कुछ मंगो। ते उन्हां ने भी फिर यही बेनती कीती सी वी महाराज छेवें पातशाह मोढ़ी गड्ड के महाराज नगर वसा तां गए, सतवें पातशाह भी वर दे गए, पर साडी तां यही इच्छा है वी साडा चंगी तरह वसेबा हो जाए। कच्चे घर ने मिट्टी ला के गुजारा कर लईदा है, फसलां नहीं हो रहियां। हुण तां देखो कणक झोना नरमा हर तरह की फसल होण लग गई। अगे फसलां नहीं सी हुंदियां, ना पानी हुंदा सी, ज़्यादातर टिब्बे ही हुंदे, इहनूं तां जंगल देश कहा जांदा सी। ते रामे तलोके ने बेनती कीती सी, महाराज साढ़े तां फसलां ही नहीं हुंदियां, सड़कड़े काने, इहो जिहा कुछ ही है। ते दसवें पातशाह ने भी कहा सी, कहिंदे भाई कोई नहीं, चिंता ना करो, तुसीं उह गुरु घर दे सेवक ते गुरु घर दे श्रद्धालू बने रहो। जिहड़ा सतवें पातशाह दा वचन है उहनूं याद रखियो। महाराज कह के गए ने, तेरा घर सो मेरा घर, तुहाडा साडा नहीं कुछ वंडिया। ते दसवें पातशाह ने भी उस वेले कहा सी, कहिंदे झूलणगे झंडे फूल की औलाद दे, 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 झूलणगे झंडे फूल की औलाद दे। आ जेडे हुण सोहणे सोहणे घर बार बने है, ये दसवें पातशाह ने कहा सी, कहिंदे फिक्र ना करियो, सुंदर अटारियां नेकां पैणियां, जिन्हां दियां चोटियां समानी खैणियां, सुंदर अटारियां नेकां पैणियां, जिन्हां दियां चोटियां समानी खैणियां, कान्यां दी थां बन्ने होणगे कमाद दे, कान्यां दी थां बन्ने होणगे कमाद दे, झूलणगे झंडे फूल की औलाद 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 दे। गुरु हर राय अगे दे गे वार है, तेरा जेड़ा घर सोई मेरा घर है, गुरु हर राय अगे दे गे वार है, तेरा जेड़ा घर सोई मेरा घर है। महाराज कहिंदे सतवें पातशाह वर दे के गए है, थोड़ा साडा नहीं कुछ वंडिया, हाँ तुसी भी हुण ऐदा करो। अरे हो शरदालू बन गुरु घर दे, रखियो भरोसा उत्ते साडे वार दे, रे हो शरदालू बन गुरु घर दे, रखियो भरोसा उत्ते साडे वार दे, शस्त्र हत्थी फड़ लो फलाद दे, शस्त्र हत्थी फड़ लो फलाद दे, झूलणगे झंडे फूल की औलाद 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 दे।
महाराज सच्चे पातशाह कहंदे शस्त्रधारी हो जो रखियो भरोसा उत्ते साडे वर दे रहो श्रद्धालु बन गुरु घर दे शस्त्र हथी फड़ लो फलाद दे झूल नंगे झंडे फूलकी औलाद दे आओ उदू बाद बख्शिशा हुई गुरमुख प्यारे नाभा पटियाला जींद कैंथल तक राज कीता गुरमुख प्यारे पर आपां दुख की गल ये है हुण बुरा ना मनायो राज भागता चाहिदा घर बार चाहिदा जमीन जायदाद धीआं पुत्र सुख शांति कारोबार नौकरी चाहिदी है पर जिहड़ा गुरु जी ने बचन किया सी ओह भुल गए ओह पता की सी भी रखियो भरोसा उत्ते साडे वर दे रहो श्रद्धालु बन गुरु घर दे शस्त्र हथी फड़ लो फलाद दे मतलब यह सी भी अमृत छको सिंह सजो श्री साहबा पाओ अपनी राखी आप करनी सिखो आखो सतना ते हुण अपने मना च झाती मार लियो किन्ने क परिवारां च अमृत छकिया गुरमुख किन्ने क आपां जिन्हां नूं गुरु साहब ते पूर्ण भरोसा है अजे आपां कहिंदे आ समां माड़ा जिन्हां गुरुआं ने साडे लई कुरबानियां कीतियां सानू सरदारियां दित्तियां राज भाग बख्शे अज जिहड़े मालक बने बैठे हो ना जमीना जायदादां दे इह गुरुआं दी किरपा है गुरु गोबिंद सिंह तो बाद बंदा सिंह बहादुर ओ नंदेड़ हजूर साहब दी धरती तो जथेदार थाप के तोरिया सी गुरु जी ने ते नाले बचन किया सी बंदा सिंह बदले दी भावना नाल युद्ध नहीं लड़ना हाँ जिहड़े जुल्म करदे है उन्हां नू सोधा जरूर लाउणा है फिर इतों भी इलाके चो जिथे किते कोई नानक नाम लेवा सिख सी उन्हें जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर दे जथे च मदद कीती ते उस वेले वजीर खां वर्गे जां होर जिहड़े भी जालम जुल्म करदे सी उन्हां नू खत्म कीता सारियां नू सरहंद फतेह करके साहबजादा फतेह सिंह दे नाम ते दा नाम रखिया सी फतेहगढ़ साहिब ते उदों बाद आम लोगां नू जमीना दी मालकियत दित्ती गई आखो सतनाम जिहड़ियां जायदादां अज समें दीआं सरकारां कुछ ऐसे कानून बना के खोण नू फिरदियां ना ये बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद सानू मालकियत मिली सी गुरमुख पर साडा भी कसूर हैगा असी अपना विरसा ना संभालिया गुरु अपने आप की अमृत की गुरबाणी की गुरु ग्रंथ साहब की गुरु घर की मर्यादा नू असी संभालिया नहीं गुरमुखो ते हालात ऐसे बन गए दिनों दिन सानू मार पैंदी जा रही है अजे भी अरदास ही करिया करो सच्चे पातशाह जिमें पहला अपने सेवकां की लज्जा रखते आए हो हुण भी कृपा करियो साडी लाज रखो किसानी संघर्ष चल रहे है मोर्चे लगे हुए है इन्हां दी जित होवे जो काले कानून खास करके पंजाब नूं जां किसान नूं जिमींदारां नूं बदवार करन वास्ते बने ने ओह भी वापस सरकार नूं भी चाहीदा लै लवे क्योंकि कोई भी पंच है सरपंच है एमएलए है मंत्री है प्रधानमंत्री है वो वोटां पा के आपां जनता दी भले लई बनाउने आ गुरमुख साडा भला होवे ते प्रजा दी उहनां नूं भी सुन लैनी चाहीदी है असली राजा महान राजा उही हुंदा है जिहड़ा अपनी प्रजा नूं सुख देवे आखो सतनाम दुख देण वाले ना तां पहलां कोई रिहा ना ही अगे नूं रहिणा गुरमुख ते आपां नूं भी महाराज सच्चे पातशाह इही कह के गए आ बंदिया दुख ना दिया कर जे चाहना मैनू मालक की दरगाह च थां मिल जे मेरा ना रह जे ता दो ही कम ने सेवा सिमरन कर बंदिया 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 ये जीवन सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया जीवन सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया जीवन
सिमरन सेवा नाल सिमरन सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया ये जीवन सफला करना सचखंड बिच जाके बढ़ना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया जीवन सफला करना सेवा सिमरन कर बंदिया सेवा सिमरन कर बंदिया जे जीवन सफल बनाउना लाहा खटना है चाहना मेरा ना रह जे मेरा भी मान अदब सत्कार होवे ता पातशाह कहंदे सेवा ते सिमरन दो ही चीजा ने जिदे पल्ले सेवा ते अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन है ओदी सदा ही जय जयकार है आखो सतनाम इस करके भाई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु हन इन्हां दे पल्ले लगना महाराज सच्चे पातशाह कहंदे थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे कहंदे ऐ इंसान असली टिकाने आ जा दर दर ना भटकदा फिर असली टिकाणा सिखां दा की है गुरु दा घर गुरमुख धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह साडे गुरु ने इन्हां दे चरणां विच आके बहना गुरु की संगत विच आके बचन बिलास सुनने अपना तां इहदे विच ही भला है आखो सतनाम ता ही महाराज सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ने थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सच्चा गुरु है जेड़ा तेरे कार्ज सवार सकदा है। हाँ ठीक है दुनिया अपने सुखां दी खातर कोई किते तुरिया तां फिरदा है बाकी जिन्हां दा धर्म कहिंदा उह जो मर्जी करन पर खास करके सिख परिवार आपां नूं चाहीदा भाई आपां तां गुरु ग्रंथ साहिब दे पल्ले लगीए आखो सतनाम क्योंकि होर थां तों साडा भला होना नहीं है तां ही महाराज कहिंदे ने सतगुर तुमरे काज सवारे एडा महान गुरु जिन्हां दा होवे उहनां नूं होर थां जाण दी लोड़ नहीं पैंदी रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे रहाओ तो बाद महाराज कहिंदे जिहड़े तैनूं दुख देण वाले है ना तेरे दुष्ट माड़े लोग ने जे तू मालक दा बन जे तैनू दुख देने वालियां नू मालक आपे ही परे करेगा कोई ना कोई विध बना देंदा है जन की पैज रखी करतारे जिहड़ा मालक दा जन बन जे सेवक बन जे उहदी पैज अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही रखदा ते अज तक दा इतिहास इस गल दी गवाही भरदा है जिहड़े बने सी ना मालक दे उन्हां दी लज्जा भी रखी पर एक निशानी भी सी गुरमुख जिहड़े मालक दे बने उन्होंने अकाल पुरख का सिमरन किया कोई दुख दे ही जावे चाहे सुख दे ही जावे उहदी परवाह नहीं कीती ते मालक ने भी लज्जा रखी सतयुग विच प्रहलाद भगत की लज्जा रखी हरनाक्ष नूं मारिया गुरमुख नामदेव जी महाराज रविदास जी महाराज कबीर जी महाराज धन्ना जी महाराज सैन जी महाराज जिन्हां नूं नाम जपण तो रोकिया गया सी पर उह जपदे रहे किसी नाल कोई लड़ाई नहीं कीती झगड़ा नहीं कीता अपने आनंद च भजन करते रहे ठीक है विरोधी विरोध करते रहे पर अज विरोधियों का नाम निशान नहीं हैगा इन्हां महापुरशां दी जय जयकार हुंदी है आखो सतनाम क्योंकि कुदरती गल है गुरमुखो जदों तुसीं चढ़दी कला वल जाओगे ना कोई चंगा कर्म करोगे उदों अंदरों खुश होने वाले तो धर्मी पुरश थोड़े होणगे ज़्यादातर तो दुनिया दुखी हुई हुंदी अपने दुख च उन्ना दुखी नहीं हुंदे जिन्ना दूजे की चढ़दी कला वेख के दुखी हुंदे पर उन्हां दी परवाह नहीं करनी जे आपां उन्हां वल देख के
नाम जपने वाला समा सेवा वाला समा गवा लिया फिर नुकसान अपना होना है। इस करके कोई चंगा कहे चाहे माड़ा कहे सच्चे बंदियां नूं तां चाहीदा आप कर्म चंगे करन परमेश्वर दा भजन करन उहदे नाल लज्जा रहनी है। तां ही महाराज कहिंदे ने जन की पैज रखी करतारे बादशाह साह साह बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने वड्डे वड्डे बादशाह अपने आप नूं शाह कहाउण वाले होर भी अमीर लोग नाम जपण वालियां दी जाके शरण पैंदे आ आखो सतनाम अमृत नाम महारस पीने पर यह ताकत उन्हां नूं मिलदियां जिन्हां ने अमृत नाम महारस नूं पीता हो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंज प्यारे साजे सीधा ही आके पंडाल च कहता सी मेरी तलवार खून की प्यासी है मैनू एक शीश चाहिए ते असल च की देखते सी भला महाराज परख कीती सी भी मैं देखना चाहना इन्हां विचों मेरे लिए कौन जिउंदा है क्योंकि कई तो हुण अपने ते भी ला लो आपां नूं ये हुंदा साडे घर च सुख रहे बाल बच्चे सुखी रहन असी तंदुरुस्त रहीए कोई बच्चों लिए जिउंदा है कोई अपने आप लिए जिउंदा है कोई घर बार लिए जिउंदा है। जिहड़े पंज प्यारियां ने सीस भेट किए वह सिर्फ गुरु लिए ही जिउंदे सी परिवार तो उन्हां दा भी सी बाल बच्चे सी कोई फिक्र नहीं किया कहिंदे लो महाराज फिर कट लो सीस वह परख की कसवट्टी च पूरे उतर गए ते जिहड़े फिर पूरे उतरे महाराज ने उन्हां नूं कहा मैं तुहाडा सेवक ते तुसीं गुरु हो आखो सतनाम रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा किन्ना माण दिता है ताही शब्द जुड़िया सी वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला पहला उन्होंने अमृत छका के नवाजिया साजिया बाद च हथ बन के कहिंदे मेरे ते भी कृपा करो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। ये गुरु नानक दे घर दियां बातां गुरमुखो बादशाह साह साह वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने जिन्हां ने गुरु दे बचन कमा ले ते बादशाह कहिंदे निरभउ होए भजो भगवान जे भजन करन लगे हैं ना धर्म करन लगे हैं फिर डरी ना भय नहीं होना चाहीदा। इत्थे तां महाराज कहिंदे व्यापारी नहीं बनना व्यापारी हुंदा ना जिहड़ा उह पहला अपना फायदा सोचदा भी मेरा फायदा की है एक हुंदा जवारी जिहड़ा सब कुछ ही दाह ते ला दिंदा है। बाबा आनंद सिंह जी महापुरश कहिंदे हुंदे कहिंदे गुरु दे घर विच व्यापारी ना बनी इत्थे तां जो हैगा तन मन धन सब सौंप गुर कौ हुकम मन्निआ पाई है तन भेटा कर दे शरीरक तौर ते सेवा कर अपना जिहड़ा मन है जे चाहुंदा है ना भी नहीं माया खर्चनी नहीं अमृत वेले उठना तां मन नूं भी कह भी तेरी नहीं सुननी नाम जपना सेवा करनी तां करनी करनी है मन गुरु नूं दित्ता जाणो धन है जिहड़ा जिन्ना भी कुछ हैगा वह भी दे दे पर चौथी गल जरूरी है तन मन धन सब सौंप गुर को चौथी केड़ी है हुक्म मन्निआ पाई है जे गुरु का हुक्म मन्नेगा तां प्राप्ति हो आखो सतनाम। हुण इत्थे बहुत तरह का इतिहास है अपने इलाके जदों महाराज दसवें पातशाह आए इधर कच्ची पुच्चो बाबा दयाल दास जी भी होए जिहड़े रस्त बस्त भी लै गए आप भी जाके सेवा कीती पर जदों गुरु जी ने कहा ना भी अमृत छक लो उदों कहिंदे नहीं जी मैं तां नहीं छकना महाराज कहिंदे अमृत छके बिना हुण मुक्ति नहीं मिलनी भला नहीं होना कहिंदा जी भाई भगतू जी साडे वड्डे वडेरे वह भी तो सेवा ही करके तर गए उन्होंने किहड़ा अमृत छकिया सी महाराज कहिंदे उदों तां अमृत की मर्यादा ही नहीं सी मैं खुद भी अमृत छकिया है कहिंदा जी मैं किहड़ा कुछ खाना पीना मैं तां अमृतधारियां वर्गा ही हाँ पातशाह कहिंदे लै जा लंगर नठ जा इत्थों जे तू साडा वचन नहीं मनदा फिर साडा कुछ नहीं लगदा आखो सतनाम। देखो गुरु गोबिंद सिंह इन्हां दे नगर भी आए चक फतेह सिंह वाले क्योंकि राम सिंह फतेह सिंह इन्होंने फिर जाके अमृत छक लिया इत्थे भी वह सत दिन लंगर बना के गड्डियां ते धर के लियाया करे महाराज कहिंदे तेरा लंगर नहीं छकना ना ही संगत नूं वरताया ते जदों महाराज अगे भागू वल जा रहे सी बठिंडे जाना सी घोड़े नूं लगी प्यास छपड़ी ते पानी पीण चलिया गया पर सुंघ के मुड़ गया वापस
पानी पीता ना। महाराज कहिंदे छपड़ी की दी आ, पता करो घोड़े ने जल क्यों नहीं छकिया, नाले भज के आया इधर नूं। फिर दसण वाले ने दसता भी इह दयाल दास दे जमीन च बनी हुई है छपड़ी। दसवें पातशाह कहिंदे गल सुन दयाल दासा, साडे घोड़े नूं भी इन्ना ज्ञान है भी ये बेमुख दी छपड़ी दा पानी है, ये भी नहीं पींदा, ते मैं तेरा लंगर किवें छक लां। फिर पिंड वाले सियाने इकट्ठे होके कहिंदे दयाल दासा, नाले तां मंगर मंगर तुरिया फिरदा, नाले लंगर तैयार करके रस्ता बस्ता लैके आउणा, गुरु की खुशी चाहना है, तो तू अमृत क्यों नहीं छक लैंदा। फिर सियाणिया ने समझाया, तां इहने खंडे वाटे दे अमृत की दात मंग के लई, फिर भागू जाके इहनूं अमृत छकाया सी गुरु। फिर इहदा लंगर संगत विच वरताया सी, फिर ये गुरु घर दे विच प्रवान होया। आखो सतनाम। फिर दयाल सिंह बनिया, हुण उत्थे गुरद्वारा साहब भी बनिया होया, सेवा चल रही है। सो मेरे कहने का भाव, गुरमुख प्यारियो, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने, निरभउ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। जे तू गुरु दा बणिया बणिया बण के रह, फिर किसे तो डरन दी लोड़ नहीं, बस गुरु दे बचन कमा, ते नाले तो सौखा ही है कम गुरमुख। महाराज ने किहड़ा कहा भी तुसीं जंगलां च जाके पुठे लटको, धुइयां तापो जां जल धारे करो। महाराज तां सच्चे पातशाह तां इह चंगी सिक्ख्या दे के गया, कहिंदे दिने अपना कम धंधा कर, रिश्तेदारी जाए आ खा पी लै, सोहने कपड़े पा लै, शाम नूं परिवार बाल बच्चिया च बह के दुख सुख कर, रात नूं सौं भी, पर अमृत वेला सच नाओ वडे आई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार। अमृत वेले दा समय ना जेड़ा 3 तो लैके 6 बजे तक दा, रात दा चौथा पहर, यह कहिंदे गुरु दे लेखे ला दिया कर, शाम नूं भी रहरा साहब दा पाठ कर लिया कर, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लिया कर, जे नहीं बाणी पढ़ सकदा, हिरदा नाम वसाए हो, घर बैठे गुरु ते आयो, घर ची तेरे ते बख्शिश हो जानी है। आखो सतनाम। पर आपां इन्ना क भी मनण नूं तैयार नहीं हां गुरु, पर साडी तां बेनती है, सतगुरु जी ने सौखा राह बनाता गुरमुखो, इदों सौखा राह होर थां तुहानूं नहीं मिलना। ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਿਨੋ ਦਾਨ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 300 ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 300 ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 200 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੋ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਧੂ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 5 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, 10 ਟੇਕੋ, 100 ਟੇਕੋ, 1000 ਟੇਕੋ, ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
क्योंकि गुरु अंतरजामी है। शरण परे प्रभ अंतरजामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। जिन्होंने गुरु की ओट तक ली उन्होंने कोई जय जयकार होंगी है, सारे कार्य शुद्ध हो जाते हैं। इस करके महाराज के चरणों का ओट आसरा तक के सतगुर के चरणा सरबत के भले लिए यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह सारे परिवार नू सिखी दी दात बख्श दो, 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 सिखी दी दात बख्श दो, सिखी दी दात बख्श दो, सिखी दात बख्श दो, सिखी दी दात बख्श दो, सिखी दी दात बख्श दो, सिखी दी दात बख्श दो, सारे परिवार नू 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 सिखी दी दात बख्श दो। यही अरदास मालक दे चरणा च करनी भी सतगुरु सिखी दी दात बख्शो, क्योंकि जिथे गुरु दा नाम लिया जांदा है उत्थे गुरमुख प्यारियो कृपा जरूर हुंदी है। कहिंदे आ ना सियाणे बीज होवे तां किते ना किते जाके फिर वह बीज हरा जरूर हुंदा है, ते बाकी भरोसा भी रखना है। आओ एक कथा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले दी आप जी दे नाल सांझी करन लगा। कई बारी माया पिछे लग के संसारक सुखा पिछे लग के असी धर्म तो टुट जाने गुरमुख, तो जदों धर्म तो टुटांगे दुखी दुख है। उजैन दे विच एक गुरु घर का श्रद्धालु सिख रहिंदा है, ते गुरमुख प्यारे हो रोज बाणी पढ़नी, सवेरे भी नितनेम करना, शाम नूं भी नितनेम करना। घर विच एक पुत्र पैदा होया, हरगोपाल नाम रख लिया, बच्चे नूं पालिया बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल। पर कुदरत करतार दी ऐसी बनी वह जिहड़ा बच्चा सी गुरु घर दी मर्यादा नूं घट मन्ने, साधु संत फकीरां कोले ज्यादा जाया करे, जेड़े किन्ना किन्ना समा समाधियां ला के बहिंदे, माला फेर दे, कोई धुइयां तापदा, कोई जल धारे करदा, उन्हां दी संगत विच जाया करे। पर जदों 10-12 साल दी उम्र होई, एक दिन टाइम नाल घरे आया ते अपने पिता नूं रहरा साहब दा पाठ करदे देखिया। पिता ने पाठ कीता है, पुत्र ने सुनिया, पिता ने अरदास कीती, पुत्र ने वह भी सुनी, ते सुन के बाद च कहा
कि पिता जी मैं होर साधु संतां कोले भी जाना पर इन्ना आनंद नहीं प्राप्त होया जिन्ना अज आया। आखो सतनाम। पिता ने शुक्र किया, शुक्र है मालका मेरे पुत्र दा ध्यान अज गुरु वाल आया, क्योंकि पुत्र ने कहा सी भी ये जो तुसी पढ़िया है ये किहदी कलाम सी। ते पिता जी आखन लगे बेटा ये कलाम नहीं, ये गुरु नानक साहब की बाणी है। पुत्र कहिंदा भी मैनू तां सुन के बहुत आनंद प्राप्त होया, वो गुरु दे मैं दर्शन करने चाहुंना जी दी बाणी च इन्ना रस है, जे किते उस गुरु का मिलाप हो जाए तो पता ही नहीं किन्ना करास आऊ, किन्ना का आनंद आऊ। पिता ने अरदास की, शुक्र है मालका मेरे पुत्र का ध्यान गुरु वाल आया। ते नाले पुत्र नू समझाया बेटा जेडे गुरुआं दी ये बाणी है, गुरु नानक साहब तो इस वेले नहीं हैगे तो हर जगह ने, पर शरीरक तौर पर उन्हां दा पंज भूतक शरीर इस मात लोक विच नहीं है। पुत्र उदास होया, कहिंदा जी फिर तो मैं निभागा ही रह गया, गुरु के दर्शन नहीं कर सकता। पिता कहन लगे बेटा गुरु का सिख कदे निभागा नहीं हुंदा, शुक्र है मालक का तेरा ध्यान अज गुरु वाल आया, पर जे तू गुरु के दर्शन करने हैं गुरु नानक साहब तो नहीं है, उन्हां दी जगह उन्हां दी दसवीं जोत गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहब विच संगतां नूं तार दे। बहुत खुशी होई, कहिंदा मैं जरूर दर्शन करन वास्ते जावांगा, अगे साधु संतां कोले जाना, बह के मुड़े आईदा, किसी दे सिर विच घड़े जलदे पा देईदे आ, कोई धुइयां तापदा है, कई कबरां दी पूजा करदे आ, पर उत्थों सानू कुछ ज्ञान नहीं मिलिया। कहिंदा आखो सतनाम। ये थानू भी बेनती है गुरमुख प्यारियो, गुस्सा ना करियो, क्योंकि सब धर्म चंगे ने, जिवें किसी की मर्यादा कहिंदी उह करन, पर जिहड़े सिख परिवारां च जन्मे हो ना कुछ ख्याल करिया करो। मन लो कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, मूर्त बनाई है, चाहे कबर है, तो वह ना तो कुछ बोल के ही सानू दसे गुरु कोले बह के मुड़े आओ, पर जे किते गुरु ग्रंथ साहब के चरणा चा के बाणी पढ़ो तो महाराज कहिंदे ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्व जियां को प्रभ दान देता। अपने गुरु जी तो हर गल बोल बोल के सानू दसदे है, जदों मर्जी पढ़ लो बाणी, आप पढ़ लो, तो घर च भी गुटके रखिया करो, धर्म ग्रंथ इतिहासक ग्रंथां नू रखिया करो, ताकि सानू पता लग सके किहड़े समय की कार्ज किस तरह करना। गुरमुख हर गल सतगुर जी ने समझाई है। हुणे हरगोपाल कहिंदा है, कहिंदा पिता जी अज मैं रहिरा साहिब दा पाठ सुनिया, मैनू पता लग गया भी भई प्राप्त मनुख दे होरी आ, गोविंद मिलन की इह तेरी वरी आ, अवर काज तेरा कहता ना काम मिल साध संगत भज केवल ना, ये अज मैनू समझ आ गई। तो मैं तो गुरु के दर्शन करन जाना है। पिता ने समझाया पुत्रा धर्मशाला विच संगत इकट्ठी हो रही है, उन्होंने परसों नू आनंदपुर साहब जाना है, जे तैं दर्शन करने है तो संगत नाल चलिया जा, क्योंकि लंबा सफर है, नाल संगत होवे ते सफर का पता नहीं लगता। होर खुशी भी संगत भी इन्हां दिनां च ही जा रही है, तैयारी कर ली, बस्तर धोस मार के बैग च पा ले, कुछ माया ले ली, 500 रुपया इन्हें अपने वालों जेब च पा लिया भी मैं जाके गुरु जी नूं भेटा देंगा। उस वेले दा 500 बहुत वड्डी गल सी, ते 100 रुपया पिता जी ने दिता भी मेरे वालों भेटा गुरु दे चरणा च रखी, नाले अरदास करी कि सच्चे पातशाह ये हत्थां दी मैल है, इहनूं सफला कर दे। आपां भी जदों गुरु घर आउंदे आ जां किते भी धर्म स्थान ते जांदे आ, तिल फुल माया अरदास कराई दी है ना, देखो गुरु घरां दे जां धर्म कारज गुरु ने आप ही कर लेने हुंदे आ, पर अपना तां हिस्सा है गुरमुखो, जिन्ना पा लांगे उन्नियां साडियां कमाइयां सफल हो जांदियां। आखो सतनाम। वध चढ़ के वित्त अनुसार दान पुन जरूर करना चाहिए। हुण 600 रुपया जेब च पा के
उजैन तो चले। संगत धर्मशाला च इकट्ठी हुई सी। सारिया ने तुरन तो पहला अरदास की, सतगुर असी आप जी के दर्शन करने वास्ते उजैन तो तुर रहे हैं, तुहाडा ही आसरा है ये यात्रा आप जी के भाने विच निर्विघनता सहित संपूर्ण होवे। गुरु के गुण गाउंदे गाउंदे कई दिनों का सफर करके सारी संगत सारे संगी जा पहुंचे आनंदपुर साहब। पर जांदा जांदा ये जिहड़ा हरगोपाल सी ना, ये मन विच सोचता है, कहिंदा गुरु का दरबार बहुत वड्डा होगा, संगत बहुत होगी, गुरु जी तो समाधि ला के बैठे होणगे, जे मैं जाके बुलावांगा की पता उन्हां दी समाधि खुलू जां ना खुलू, क्योंकि पहला साधु संतां कोले जांदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे सी। उसे तरह महाराज वास्ते सोचता जांदा है। जदों पहुंचे आनंदपुर साहब उत्थे कम उल्ट होया। गुरमुख ये तो सोच के आया सी भी गुरु जी समाधि ला के बैठे होणगे, पर मेरे सतगुर अगों शिकार खेड के आए। नाल सिखां ने हिरन रोज शाहे मार मार के हत्थां च फड़े हुए, लत्तां फड़ियां ते पुठे लमका दे। इधरों संगत चली गई गेट ते, उधरों किते गुरु साहब आ गए। जेडे जानदे सी उन्होंने नमस्कार कीती ते गुरु साहब भी गेट दे बाहर ही रुक गए। सारी संगत वल महाराज ने तकिया, सारी संगत ने गुरु जी नूं नमस्कार कीती, पर ये जेड़ा लड़का सी इहदे मन च शंका पैदा हो गया। कहिंदा मना मैं तां सोच के आया सी भी गुरु जी समाधि ला के बैठे होणगे, पर केड़ी समाधि, ये तो जीवां नूं मारदे फिरदे आ। किन्नी दूरों मैं चल के आया, आया सी मन नूं शांति मिले कोई ज्ञान मिले, पर गुरु तां आप ही जीवां नूं मारदा फिरदा। इन्नी गल मन च जदों आई इन्हें नमस्कार नहीं कीती, खड़े ही रहा गुरु। ते गुरु साहब ने भी सारी संगत वल तकिया, इसे ते निगाह टका ली। हुण जदों महाराज ने निगाह टकाई, इहदे ते नज़र पाई, फिर इहदे मन च आप ही ख्याल आया भी मना गुरु साहब वास्ते केड़ी सोच सोचना है। ये जीव दे स्वाद खातर जीवां नूं नहीं मारदे, जेड़े सिख पिछलियां गलतियां कारण बिंगियां टेढ़ियां जूनां च भटकदे फिरदे आ, महाराज तां उन्हां नूं मुक्त कर रहे आ। आखो सतनाम। हुण इत्थे एक बेनती समझ लियो, जदों किते मालक दी नज़र सीधी होवे उदों तां मन च आउंदे आ सीधे ख्याल, चंगे ख्याल, ते जिहदे मालक दी मेहर ना होई उहदे मन विच भी ख्याल गलती पैदा हुंदे आ। गुरमुख इस करके गुरमुख बनना, गुरु वल मुख रखना, गुरु दे बचन सुनने, अरदास ही करिया करो महाराज मेहर दी नज़र करो, क्योंकि नज़र नज़र विच फर्क है। दोनों गल्लां लिखियां, एक पासे तां लिखिया भी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नज़र करे, मेहर दी नज़र कर दे तां खुशियां मिलदियां। ते दूजे पासे भी लिखिया कहिंदे नज़र उपट्ठी जे करे सुल्ताना का हो कराएंदा, जे किते मालक दी नज़र उल्ट जे ना फिर वड्डे वड्डे बादशाहां नूं भी घा खाणा पै जांदा। आखो सतनाम। इसे करके मालक दे चरणा च अरदास ही करनी है भी सच्चे पातशाह मेरा वाले लाज रख ली गरीब दी, 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 मेरा वाले लाज रख ली रख ली गरीब दी, 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 मेरा वालिया लाज रख ली गरीब दी,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਰਗੋਪਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ 'ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਦਿਓ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਕੜਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲਜੂ, ਕੜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਗੁੰਮ। ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਦੇ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੜਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ 4 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 600 ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ?
इकड़ा कड़ा प्रसाद दिता है तो मेरा पिता भी घरे रोज बना मैनू तां करके गुरु ते भरोसा नहीं आखो सतना। जदों इदां दे बचन कहे तां ध्यान सिंह ने इहनू समझाया कहिंदा आ जा मैं भी गुरु दा सिखा मेरे घरे चल घरे लै गया। बथेरियां कथा कहानियां सुनाईयां भी गुरु ते भरोसा रखना चाहीदा जे तू बणिया ते बण के रह डोलना पर मन्ने ही ना। कहिंदा गुरु दे बचना च भला हुंदा गल कड़े दी नहीं है जे तैनू कहा अदब रखी ता तू अदब रख। ते असल विच गुरमुखो आपां नू भी मार तां पई असी अदब ना रख सके आखो सतना। खिमा करियो बहुतियां ने तां गुरु ग्रंथ साहिब नू भी गमी शादी दे मौके वरते ही है भी हुण सरदा नहीं। चाहीदा ते असी रोज गुरु घर जाइए रोज महाराज दे दर्शन करिए रोज सच्चे पातशाह दी संगत करिए चाहीदा तां इह सी पर असी लोड़ पैण ते महाराज दे वरतदे आ गुरमुख पूरे सिख बनना चढ़दी कला वाले भरोसा भी होवे। हुण ध्यान सिंह माजरीए ने इहनू बहुत समझाया कहिंदा गुरु दे बचन ते भरोसा रख पर हरगोपाल कहिंदा है कहिंदा मैनू तां भरोसा नहीं जे तैनू हैगा तू रख लै। ऐ कर महाराज ने आ कड़ा दिता प्रसाद दिता है जे तैनू भरोसा हैगा मैं तां 600 रुपया मत्था टेकिया सी तू मैनू 550 ही दे दे कहिंदा आ लै कड़ा लै ला नाले कड़ा प्रसाद लै ला। भाई ध्यान सिंह माजरीए ने समझाया कहिंदा सिख नू सिख दे नाल धोखा नहीं करना चाहीदा सिख नू सिख दे नाल सच्चा विहार करना चाहीदा तू इन्हां चीज़ां नू बेच ना घरे लै जा पर ओह कहिंदा नहीं मैनू तां भरोसा ही नहीं। फिर ध्यान सिंह माजरीए ने की कीता घरवाली नाल सलाह कीती कहिंदा भागां वालीए एक सिधरा जिहा सिख आया है इहनू की पता गुरु दा वचन ते कड़ा की चीज़ है इहदे ते बख्शिश तां होगी पर इहनू हुण गुरु ते भरोसा नहीं है आखो सतनाम। कहिंदा जे तू मेरे नाल सहमत होवें इहनें 600 रुपया महाराज नूं मत्था टेकिया आपां 500 वध दे के ना गुरु दा वचन ते कड़ा लै लईए। उह कहिंदी ठीक है सारे गहने ला के देते कन्नां चों हत्थां च सोना पाया सी कहिंदी आ सारा कुछ बेच के माया दा भुखा इहनू माया दे दो आखो सतनाम। हुण इस कथा नूं ध्यान नाल समझ लिओ कई वारी आपां भी गुरु वाले बण तां जांदे आ कई वारी फिर साडा विश्वास नहीं रहिंदा गुरु जे बने हो तां बण के रहिणा दुख सुख भी शरीरां ते आउंदे आ चंगे माड़े समें आउंदे आ ते मालक दा पल्ला नहीं छड्डीदा ते आपां नूं भी चाहीदा जे कोई डोलदा है किसे कारण तां ध्यान सिंह माजरीए वांगू उहनूं समझाईए ते जे फिर भी नहीं मनदा तां गुरु के ककारां दी बेअदबी ना होण दईए आखो सतनाम। ध्यान सिंह माजरीए ने की कीता गुरमुख प्यारिओ 600 ते 5 रुपये वध दे के उह गुरु दा वचन ते कड़ा लै लिया। कहिंदा भी ठीक है तू मैनू माया देती मैनू महाराज ने कहा सी जो मंगेगा सो मिलेगा मैं कहना महाराज जो इहनू चाहीदा इहनू मिल जे कड़े दे नाल वचन भी तेरा कहना 605 रुपये पा के ना जेब च। जदों अगे तुरिया पहला तो गुरु की निंदा करता सी इहनू सिख की भी शुरू कर दी कहिंदा गुरु तो जिहे जिहा मिलिया सी मिले सी सिख उदों भी कमला मिलिया। कहिंदा इहनू इह नहीं सी पता भी इह सच्चा सिख है गुरु नाल प्यार करन वाला जिन्हें माया की परवाह नहीं कीती गुरु की बख्शिश लई। पर करिए कि गुरमुखो हुण भी हालात इह जे है आम ही देखीदा है ओनू दुनिया कमला कहिंदी जेड़ा सतगुर नाल प्यार करे सतगुर नाल प्यार करे ओनू दुनिया कमला कहिंदी जेड़ा सतगुर नाल प्यार करे सतगुर नाल प्यार करे ओनू दुनिया कमला कहिंदी जेड़ा सतगुर नाल प्यार करे जेड़ा सतगुर नाल प्यार करे ओनू दुनिया कमला कहिंदी जेड़ा
सतगुर नाल प्यार करे, सतगुर नाल प्यार करे। दुनिया कमला कहती सतगुर नाल प्यार करे, सतगुर नाल प्यार करे। दुनिया कमला कहती सतगुर नाल प्यार करे, सतगुर नाल प्यार करे। कहिंदा गुरु तां मिले ही सी, सिख उदों भी कमला निकलिया, माया भी वध देती इक कड़े पिछे तुरिया आउंदा है। राह दे विच्चों 605 रुपए दे रतन खरीदे, अगे बेचे, अगले शहर जदों जाके बेचे ते दो थैलियां मोहरां दियां भर गईयां, बड़ा खुश, कड़ा प्रसाद। कहिंदा देखता लवां किते खराब तां नहीं हो गया। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜੀ ਉਲਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਟਣ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। 600 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਦਬ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੜਾ ਵੇਚਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 600 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਵਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੜਾ ਵੇਚਤਾ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, 2 ਥੈਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਲਿਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਡੰਗ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੋਇਆ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਮਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਿਤਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਾਂ,
फिर अपना मन बना चल मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए किसे बस दे ने बेपरवाह चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए जिथे वसदे ने बेपरवाह चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए वसदे ने बेपरवाह मन चल नंदपुर वाल तुर चलिए मन चल नंदपुर वाल तुर चलिए कदर पवे दे चल नंदपुर वाल तुर चलिए चल नंदपुर वाल तुर चलिए कदर पवे दे कदरा दी चल नंदपुर वाल तुर चलिए मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए कदर पवे वे कदरा दी मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए मना चल नंदपुर वाल तुर चलिए परिवार ने रह कीती पिता ने मना लिया नाल तुर पिया गुरु जा रहे ने आनंदपुर साहब पिता ने सलाह दिती पुत्रा पहला आपा उस सिख नू मिलिए जिन्हों तू कड़ा ते बचन बेचिया सी जदों गए ना ध्यान सिंह माजरीए दे पिंड लभ्या घर ही ना थियावे गुरमुखो हरगोपाल कहिंदा मैं इत्थे जे देखिया सी इत्थे घर सी लभदे फिर ना पर घर लभे ना इन्ने नू भाई ध्यान सिंह माजरीआ मूहरे मिल गए पछाण लिया भी उही सिख है फतेह बुलाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हाँ भाई गुरसिखा किवें आउणा होया है पिता ने कहा मेरा लड़का भुल गया बहुत वड्डी गलती कर बैठा थोनू ये गुरु का बचन ते कड़ा बेच गया सी सानू गुरु कोलों बख्शवा दे भाई ध्यान सिंह नू समझ आ गई गल दी घरे लै गए जल पानी छकाया अगले दिन पहुंचे श्री आनंदपुर साहब जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणा च मत्था टेकया संगत प्रसाद लैके चली गई जिन्हां दियां कुछ मंगा सानू बैठे रहे ते इन्हां ने भी बेनती कीती महाराज मेरा लड़का भुल गया असी आप जी तो माफी मंगना आए इन्हें तुहाडा बचन ते कड़ा बेचता गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे ठीक है कोई गल नहीं करदे आ विचार अच्छा भाई ध्यान सिंह ये दस तैं कड़ा ते बचन खरीदिया तैनू कुछ फायदा होया कि नहीं भाई ध्यान सिंह रो पिया कहिंदा सच्चे पातशाह की दसा जो मैनू मिले है मैं दस ही नहीं सकदा आखो सतनाम गुर के बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई घर च औलाद है नहीं सी उदू बाद वह भी हो गई घर बार कच्चा सी थोड़े समय च ही बरकत ऐसी पई घर भी पक्का बन गया वड्डी गल मेरे मन च हुण किसे तरह का कोई संसा नहीं रहा कोई फिक्र नहीं जो मैं चाहना कार्ज रब की कृपा नाल तुहाडी रहमत नाल बड़े छेती हो रहे ने कहना जदों ये बचन हरगोपाल ने सुनिया तो रोन लग गया गुरु मेरे सतगुर फिर भी दया दे घर विच आए कहिंदे हरगोपाल रो ना तैनू गुरु दे बचन ते भरोसा नहीं रहा तां ये हाल होया है पिता जी ने बेनती की महाराज मेरा बच्चा भुल गया माफ़ी दे दो गुरु गोबिंद सिंह फिर उस वेले कहिंदे ने कहिंदे गुरु नानक दे महाराज उजैन गए सी तुहाडे वड्डे वडेरे भाई नानू जी ने बहुत सेवा कीती सी सो उस वेले भाई नानू ने कहा सी भी महाराज फिर किते दर्शन कदों होणगे पहले जामे च बचन होया सी भी दसवें जामे च मिलाप हो यह तुहाडा ते साडा मेल होना सी ये बहाने नाल होया आखो सतनाम
फिक्र ना करो, तुसी पढ़दे हो बाणी गुरु घर ते भरोसा रखो, घर जाओ पंज सिंघां नूं घर बुला के प्रशादा छकायो। बाणी दा होवे जाप, अरदास कर दिओ, जो मंगोगे गुरु नानक दे दर घर चों तुहानूं मिल जाणा। आखो सतनाम। इन्ना बचन महाराज ने कीता, फिर इस बचन तों ही भरोसा रखिया। घरे आए, चुल्हा चौका साफ कीता, प्रसाद तैयार कीता, लंगर बनाए, गुरु के सिंघां नूं घर बुला के प्रसादा छकाया। ते उस वेले फिर अरदास कीती गई, अरदास दा फल मिलिया, परिवार विच दोबारा फिर बख्शिशां हो गईयां। आखो सतनाम। अमृत दी दात भी मिली, कारोबार भी चल पिया, बीमारी भी दूर, ते मन टिक गया गुरमुखो। कईयां कोले घर बार भी हुंदा, तंदुरुस्ती भी हुंदी है, मन फिर भटकदा रहिंदा वी ओह नहीं मिलिया, ओह नहीं मिलिया। ये जिहड़ा मन दा टका है, ये भी मालक दी बख्शिश नाल ही प्राप्त हुंदा। कईयां ते जिन्ने मर्जी दुख आ जाण, ओह कहिंदे कोई गल नहीं, मालक दा भाण है, रब भली करू, दुखी नहीं हुंदे। कई गुरमुख प्यारिओ सब कुछ हुंदिआं सुंदिआं भी दुखी ने। आखो सतनाम। सो यह है गुरु घर की वडियाई, तां बेनती की है, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। कहिंदे गुरु की शरण विच आ जा, किसे बहाने आ जा, मालक की कृपा नाल तेरा भला जरूर होना है। ते अपना गुरु एहो जिहा प्यारे हो, कहिंदे ने आवे अंत ना तेरिया कुदरतां दा, साइयां बड़ा तमाशेबाज है, कदे राम ते कदे रहीम बन के आउंदा करन गरीबां दे काज हैं तू। कई मालका आरती करन लाते, कई ला दिते पढ़न नमाज हैं तू। पाता पढ़न दा कईयां प्रेमियां नूं रहरास दा रोज रवाज है। लाल बन के किते तृप्ता दी छाती दा रिहा सब नूं सुणाउंदा आवाज है तू। रूप धार के गुरु दशमेश जी दा फिर आप आए महाराज जी। टोटे जिगर दे टोटे करवा दिते, कोई लिया ना मुल्क दा राज है। तेरे दाता जी भुल उपकार जाइए, हुंदा फिर भी नहीं नाराज है। निगाह मारी ना मेरे औगणा ते, मैं गरीब ते गरीब नवाज है तू। मेरे पापी दे बख्श गुनाह लैने, मेरे जहे नलज्जियां दी लाज है। यह आ सतगुर दा घर, जे किते इन्हां दे उपकार आपां भुल भी जाइए, महाराज फिर भी गुरमुखों बख्श दिंदे आ। श्री मुक्तसर साहब की पावन धरती, मां सिंह वर्गियां नूं बख्शिया ही आ गुरमुखों, नाले लिख के दे गए सी, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। फिर भी सच्चे पातशाह ने चक चक के कल्ले कल्ले नूं छाती नाल लाया। आखो सतनाम। सो इस करके भाई साडी तां यही बेनती है, इन्हां विचारां दा भी भाव यही है। पहली गल, गुरु साहब दे सिख बनो, गुरबाणी पढ़ो, नामदान इशनान ते पहरा दिया करो, नितनेमी हो वो पक्के। जेडे अमृत धारी हो, अपने शस्त्रां दा ककारां दा सत्कार रखो, अदब रखो गुरु, पूर्ण भरोसा गुरु ते रखना। जे कोई औख दा समा आ भी जावे, तां भी पंज सिंघां नूं घर बुला के कड़ा प्रसाद दी करके दे तैयार अरदास करा दो, महाराज जरूर भावनावां पूर्ण करदे आ। आखो सतनाम। ये बहुत वड्डी ताकत है, ताही तां देखो किते सहज पास किते अखंड पाठ साहिब हुंदा है, संगत आउंदी है, उह संगत नूं बुलाउण दा कारण भी यही हुंदा है वी कोई ना कोई गुरु दा प्यारा इह जिहा आ जांदा जिहदी मालक सुण लैंदे आ गुरु। महाराज कहिंदे हुंदे गुरु वी विसवे ते गुरु की संगत इक्की विसवे। संगत वड्डी है, जे किसे कारण अमृत छकिया है, मान लो कोई ऑपरेशन हो गया जां किते एक्सीडेंट हो गया, ककार लै भी गए, तो कई कहणगे जी साडा अमृत भंग हो गया। अमृत गुरमुखों कदे भंग नहीं हुंदा। जे किसे कारण मजबूरी बन जे, ककार लै भी गए, तुसी आप गुरु घर जाके अरदास करके ककार दोबारा पहन सकदे हो, कोई गुनाह नहीं। जे हो सकदा नेड़े अमृत संचार होया तां पंज प्यारियां दे कोल पहुँच के उत्थे दोबारा भी बख्शिश तुसी लै सकदे हो गुरु। पर इह छोटियां छोटियां गल्लां नूं ला के कई हुंदा है, आम ही संगत मिलदी रहिंदी है, बाबा जी डॉक्टर ने साडे केस कट ते ऑपरेशन होना सी, मुड़ के असी कृपान नहीं पाई। ये गुरमुख प्यारियो
अमृत की दात है जिहड़ी ये वड्डे कर्मां नाल मिलती है। ठीक है, मजबूरी सी हो गया पर महाराज के चरणा च अरदास करा के अपनी भुल बख्शा के गुरु वाले जरूर बनना है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है। गुरमुख कुंभे बद्धा जल रह, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रह, गुर बिन ज्ञान ना होए। तो जे चाहुंदे हो सानू संसार का भी ज्ञान आवे तो वध तो वध भजन शुरू कर दो। गुरमुख बच्चों भी कहा करो भाई स्कूल जाने तो पहला इशनान करके 5-10-20 मिनट जिन्ना भी समा मिलता है भजन करो। जिहड़ी एकाग्रता है ना इहदे नाल साडी यादाश्त वधदी है। गुरमुख जिन्ना मन खिंडूगा उन्नियां गल्लां भुलांगे आपां। सो इस करके लो हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, जो बेनतियां गुरु महाराज ने सेवा लई है आप जी दे नाल विचारां सांझा कीतियां, चंगी विचार जरूर अपने जीवन विच कमायो। तो जे कोई मेरे तो बोलदिया चलदिया भुल हो गई होवे तां मैं जथे समेत आप जी तो माफ़ी मंगदा। महाराज कृपा करे अगे नूं भी खुशियां दे समय रल मिल करके बहिंदे रहीए, गुरु चरणां विच आनंद माणीए, सतगुर की बख्शिश सब ते हुंदी रहे, रल मिल के आपां मालक दे गुण गाउंदे रहीए। सो आओ हुण आनंद साहिब विच बोलो सारी संगत, फिर गुरु चरणां च अरदास करांगे। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से ती राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया तोता गावो हरि के रामान जनी वसाया नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे है नानक मान मेरे सदा रहो हर माले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे दिन कै मन वसया वादे शब्द कनेरे है नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम आदारू साच नाम आदार मेरा दिन सब कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान पिता गुरु जिस दिया कह नानक सुनो संतो शब्द धर्मो प्यारो साचा नाम मिलाया दारो वधे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे है नानक तै सुख हुआ तित कर अनाद वाजे आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे हर ब्रह्म प्रभ पाया तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते दानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे गुर करण लागे अनहद तूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।